नीचे और मैं रेंट के घर में रहती हूँ क्योंकि मेरा अपना घर नहीं है। और सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने अपने कॉपर के कप में नहीं यानी कि शीशे के कप में पानी पी लिया। और उसके बाद जल्दी जल्दी मेरे इस हथियार से जो है कंघी करते क्योंकि ये मेरा हथियार माइक भी है। और जल्दी जल्दी कंघी करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये मेरे बाल को पता नहीं क्या हो गया, फाइनली मेरी कंघी जो डन होती है उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये लिप बाम जो कि बहुत अच्छा है। वैसे मैं पहली दफ़ा ही लगा रही हूँ लेकिन चलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अबे तू स्कूल भी जाती है या नहीं, ये जल्दी स्कूल निकल। अरे नहीं नहीं मैं स्कूल जाती हूँ, रुको रुको मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो स्कूल है वो ना शाम के टाइम यानी कि इवनिंग में लगता है, तो मैं इवनिंग में स्कूल जाती हूँ और मॉर्निंग में मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो इसमें मेरी यह गलती है, मैं स्कूल जाती हूँ। तो इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। झूठ मत बोल। अरे नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में स्कूल जाती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने स्कूल रूटीन का एक व्लॉग बनाऊँ तो जल्दी से कमेंट कर दो और फिर मैं एक स्कूल रूटीन का व्लॉग बनाऊँगी इवनिंग में। और इधर है बहुत सारी धूप निकली हुई थी तो हमने मंगवा लिए माल्टे। और ये रहे माल्टे, और आप ही जो छील रही हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लगता है पिछले दिनों में आप ही माल्टे बेचती थी, इनका स्टाइल तो देखें छीलने का। मुझे वैसे माल्टे खाना पसंद नहीं इसलिए मैं यूँ दरमियान से काट के काला काला नमक लगा के फिर ही खाती हूँ। चलो जो है पहली बार जो है हम खाते हैं क्योंकि कितने दिनों बाद माल्टे हैं तो इसे खाते हैं। और वैसे माल्टे तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद होते हैं और खट्टे भी। और इधर भैया जो है बिजली का बिल भरवा के आए थे, फाइनली हमारा बिजली का बिल भर चुका है। माल्टे खाने के बाद मम्मा ने कहा कुरान मजीद पढ़ लेते हैं, तो मम्मा के लिए कुरान मजीद उठाते हैं और लेकर चलते हैं। मैंने कुरान मजीद उठा लिया और अब जा रही हूँ जल्दी से मम्मा के पास लेकर। आप मुझे बताएं कि आप इसको जानते हैं और ये मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पे है और आपने इसको कमेंट में बताना है कि ये कौन है और साथ ही मैं भी हूँ पढ़ी। फाइनली मैं स्कूल के लिए तैयार हो चुकी हूँ। इतनी मेहनत तो अनन्या पढ़ने में अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं की होगी जितनी मैंने स्कूल के लिए तैयार होने में और ये हेयर स्टाइल बनाने में लगा दी। और बाय द वे मेरे स्कूल का कोई यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए मैं घर के कपड़े पहनती हूँ। और ये मेरा क्यूट ऐसा बैग जिसके ऊपर भाई ने लिख दिया टिकटॉक और वो कैमरे में उल्टा ही नज़र आ रहा। और पता नहीं मेरे रिक्शे वाले भाई कब आएंगे, मेरे पास तो वॉच भी नहीं है। फाइनली हमारे रिक्शे वाले भाई जो आ चुके हैं और हम जाने लगे हैं स्कूल। और मैं जाने लगी हूँ स्कूल। तो मिलेंगे अगली वीडियो के, लाइक और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। बाय।